फर्जी शिक्षण संस्थानों का मकड़जाल डिग्री दिलाने के नाम पर कर रहे हैं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। जिले के कई छोटे छोटे कस्बे में व्यावसायिक पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी हो रहा, फर्जी संस्थान आर्थिक शोषण कर रहे हैं, युवाओं का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर बुढ़ार नगर के एक कंप्यूटर शिक्षण संस्थान छोटे से कक्ष में चल रहा है। संस्थान के आगे डिग्री कॉलेज जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे छात्र गुमराह होकर ऐसे संस्थानों में प्रवेश ले लेते हैं। लेकिन जब तक ऐसे प्रतिष्ठानों की पोल खुलती है, तब तक छात्र अपना समय और जमा किया शुल्क दोनों से हाथ धो बैठते हैं। सर, ये जितने भी दीवारों में कोर्स चस्पा है या कि विज्ञापन है, उसमें जीमेल और फ़ोन नंबर किसके हैं? मेरे स्वयं के। तो माने ये महाराज जितने कोर्स है आपके बिल्डिंग में, ये कि आपके संस्थान में ही संचालित हो रहे हैं? नहीं, संचालित नहीं हो रहे। तो फिर आपने क्यों ऐसा गुमराह भरा प्रचार चस्पा करके रखा हुआ है, जिससे छात्र भ्रमित होकर आपके पास आए? भ्रमित जैसे यूनिवर्सिटी हमारी जो कर, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो, तो कुछ कोर्सेज हैं जो नहीं अपन करवाते हैं, जैसे डी फार्मा बी फार्मा के भी है वो चीज़ें। यहाँ पास तो नर्सिंग का भी है? नहीं, नर्सिंग का तो एडमिशन नहीं है, पिछले सत्र में जी विज्ञापन बाकी उसके लेते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपका है, तो कोई भी व्यक्ति अगर जानकारी लेना चाहेगा तो आपका कॉल करेगा? कॉल करेगा, लेकिन आप जो अगर जीएनएम का करना चाहेगा तो हम उस समय मना कर देते हैं, सर नहीं हो रहा है एडमिशन, हम उसका लेंगे ही नहीं। तो फिर आप ये प्रचार सब मिटवा दीजिए। हाँ, मिटवा देते हैं, ये आप बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। सिर्फ आप पीजी डीसी और डीसी रखिए जी। हाँ, कि हम सिर्फ ये दो कोर्स यहाँ करवा रहे हैं। हाँ, उसके करवाते हैं जैसे पीजी डीसी। सर, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार वर्मा। कौन सा सेंटर चलाते हैं, किस नाम से आप? प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के नाम से है, धनपुरी में चलाता हूँ। कहाँ से मान्यता प्राप्त है? आई एस यूनिवर्सिटी और सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल। कौन कौन सी अभी वर्तमान में आप सब्जेक्ट? डीसीए एंड पीजीडीसीए कोर्स चलाता हूँ। और ये जो भारी भरकम आप बोर्ड और दीवार में प्रचार लगा कर रखे हुए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इसमें जैसे कोर्स रहते हैं, एडमिशन होते हैं, तो अपन छोटे वाले भाई का इंस्टीट्यूट है, उसमें अपन देखते हैं एडमिशन। कहने का मतलब यहाँ से जो बच्चे जिनको करना होगा कोर्स जी, आपसे संपर्क करेंगे, फिर आप ब्रोकिंग करके शेड्यूल कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट या यूनिवर्सिटी में जहाँ सीट खाली होती हैं, जैसे बीएड डीएड के, तो वहाँ अपन लगा देते हैं, यूनिवर्सिटी में लगाते हैं। आपके अभी सेंटर में, संस्थान में कितने छात्र हैं? अभी हमारे पास 20 से 25 बच्चे हैं जो डीसी और पीजीडीसी में एडमिशन लिए हैं। लास्ट टाइम आपने कितने एडमिशन लिया था? समथिंग अबाउट ऐसे 20 से 25 से, या समथिंग अबाउट 30-40 मान लीजिए मोटा मोटा। क्या ऐसे छात्र भी हैं कि जिनके यूनिवर्सिटी जो है छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है या प्रदान करती है? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बेस में पिछले सत्र में रहे बच्चे। कितने एडमिशन लिया था आपने? 30-40 समथिंग अबाउट। कुछ लोगों के एलिगेशन है, आरोप है कि उनके आपने दस्तखत ले लिए थे और बकायदे अकाउंट वगैरह की बात करके अभी तक उनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है, क्या क्या कुछ मामला है ये मामले में? सर, क्या है कि यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन लगाए, पेपर हुए हैं बकायदे, बच्चे पेपर हुए, लेकिन शासन की तरफ से अभी तक स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुई है, जिस वजह से अभी रिजल्ट इशू नहीं, रिजल्ट उनका दिसंबर में आने वाले हैं। कितने ऐसे छात्र होंगे जिनके नहीं मिले हैं? अभी तो सर रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से। कितने ऐसे बच्चे होंगे जो जिनको नहीं मिला है? कुछ लोगों के शायद मिले भी हैं। नहीं नहीं, अभी किसी। कितने ऐसे बच्चे हैं लगभग? अभी तो रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ सर। स्कॉलरशिप में समथिंग और मेरे तो 20-25 जो बच्चे हैं जो बता रहा हूँ आपसे मैं, उनके अभी किसी का रिजल्ट आउट नहीं, दिसंबर में आए, मतलब वहाँ से नोटिफिकेशन है कि दिसंबर में रिजल्ट आउट होंगे। आपने यहाँ एडमिशन क्यों ले लिया जब आपको यहाँ से मान्यता ही प्राप्त नहीं है, वहाँ आपकी शेड्यूल नहीं? सर, सर शेड्यूल में नहीं, मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आईएएस यूनिवर्सिटी या सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लगा, तो मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बीएड डीएड की जो आप बात कर रहे हैं उसकी बात किया मैंने आपसे। तो अभी बीएड डीएड वाले छात्र हैं? नहीं, अभी अपने पास। आपने उनको मतलब पहले बोला होगा कि बीएड डीएड मेरे यहाँ होता है? नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं बोला हमने। हम ये बोलते हैं जैसे हमारे पास जैसे जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे सैम ग्लोबल में भी बीएड डीएड है, आईएएस में भी बीएड डीएड है और जगह है, तो जो एडमिशन जो लिए वहाँ अपन लगाते हैं, यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, यहाँ ऐसा कोई कोर्स। इतने सारे कोर्सेस आप एक ही छत के नीचे उपलब्ध करा रहे हैं, इसका क्या पैसा है मामला? इस विषय में तो मुझे ज़्यादा नहीं है जानकारी। कोई मॉनिटरिंग करने आएगा तो पहले तो ये उसका नज़र संस्था पे ही जाएगा जी। जी, क्या एक छत के नीचे सारी संस्थाएँ सारे कोर्सेस उपलब्ध हो सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता।
पिछले सत्र में कितने बच्चों के एग्जाम नहीं हुआ? एग्जाम तो लगभग सारे बच्चों के हुए हैं। ये बिल्डिंग जो है कितने स्क्वायर फीट? 60x60 3600 स्क्वायर फीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।